वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। शेयर मार्केट के बारे में आप सब काफी अच्छे से जानते होंगे, आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म भी पता होंगे कि कहां से आप शेयर मार्केट में स्टॉक खरीद या बेच सकते हैं और वहां पे आप पैसे को बढ़ा सकते हैं और नॉलेज ना हो तो घटा भी सकते हैं। वेल, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन है, जिसमें कि अभी सबसे नामी जो है वो है ज़ेरोधा, उसके बाद आपको ग्रो आ जाता है और आपने पेटीएम मनी का भी नाम सुना होगा। अब बात करें इस वीडियो के बारे में, तो ये बेसिकली इसलिए बना रहा हूं मैं क्योंकि पेटीएम मनी SIP म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट आपको पहले देता था, NPS का ऑप्शन भी आ गया था, लेकिन अब अगर आपको स्टॉक ब्लॉकिंग करनी है, स्टॉक में पैसे डालने बेचने हैं, तो भाई अब पेटीएम मनी पे भी ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे पेटीएम को अप्रूवल जो है वो एक साल पहले मिल गया था, लेकिन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको अपने मोबाइल पे कि भाई पेटीएम का जो स्टॉक का एप्लीकेशन है वो आपको कैसे लेना है। और बिल्कुल मतलब अभी जैसे नई चीज है तो काफी डिमांड में है और हर कोई चाहता है कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे सारा काम हो जाए तो काफी अच्छा होगा। और पेटीएम बीइंग अ फिनटेक कंपनी, मतलब कि सॉफ्टवेयर में भी काफी अच्छी होती है और उसका जो एप्लीकेशन है उसका इंटरफेस वगैरह मतलब काफी अच्छा है, तो यहाँ पे कंपनी की जो फाइनेंशियल है वो काफी है और कंपनी के पास जो सॉफ्टवेयर की अवेलेबिलिटी है, जो प्लेटफॉर्म है और जो कस्टमर बेस है पेटीएम पे वो काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे इस चीज का काफी ज्यादा हाइप बना हुआ था कि पेटीएम मनी के अंदर स्टॉक वाला ऑप्शन कब आएगा। फिलहाल वो आ गया है, उसको आपको लेना कैसे है बिकॉज अभी क्यू लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, तो आप देखेंगे मेरे फोन पे और बिल्कुल ऐसा कर दीजिए ताकि फ्यूचर में जब भी आपका नंबर आ जाए तो भैया आपको मिल जाए और पैसा लगाइए और पैसा बढ़ाइए और पैसा कमाइए। बात कर ले पेटीएम मनी के बारे में, तो फिलहाल ये एप्लीकेशन सिर्फ एंड्रॉइड पे है, तो अगर आपके पास आईफोन है और अगर आपको ये एप्लीकेशन चाहिए तो भाई आप जल्दी से किसी एंड्रॉइड डिवाइस पर जाके वहाँ पे ये जो सेटिंग है जो मैं बता रहा हूँ वो कर लो। जैसा कि मैं अपने आईफोन में दिखाता हूँ आपको पेटीएम मनी, तो ये इंटरफेस ऐसा आ जाता है और यहाँ पे स्टॉक की मतलब कहीं भी कोई भी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे ऑप्शन भी देख लो आप, तो यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड SIP और NPS इन सब की इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको सारी नॉलेज मिल रही है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली स्टॉक के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जहाँ कहीं भी चले जाए कुछ नहीं है, लेकिन वहीं पे अगर मैं जाता हूं अपने एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर तो भाई यहां पे देख लो, यहां पे ऊपर म्यूचुअल फंड आ रहा है, वहां पे मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू आ रही है और नीचे यहां पे देखो इन्वेस्ट इन कंपनीज यू लव, तो यहां पे आप देख सकते हो स्टॉक का भी एप्लीकेशन आ गया है, यहां पे आ रहा है चेक स्टेटस, तो बेसिकली यहां पे मैंने अप्लाई कर दिया इसको। तो ये हमने एक और एप्लीकेशन ले लिया, यहां पे पेटीएम मनी को कर दिया है लॉन्च, और यहां पे भी अगर मैं जाता हूं तो यहां पे भी इन्वेस्टमेंट वैल्यू दिखा रही है और यहां पे भी सेम वही चीज है और यहां पे लिखा हुआ है गेट एसेस, तो एसेस के लिए भाई आपको यहां पे करना होगा क्लिक और ये क्लिक करते ही यहां पे आ जाता है रजिस्टर फॉर अर्ली एसेस। तो बेसिकली आपको ये काम करना है, अर्ली एसेस के लिए रजिस्टर करना है, जितनी जल्दी आप करोगे उतनी जल्दी आपको पेटीएम मनी यहां पे मिल जाएगा। गेट एसेस पे क्लिक करते हैं और ये भाई आपका आ गया यूजर्स है 48,722, मतलब इतने लोगों के आप पीछे हो यहां पे रिक्वेस्ट करने में। तो यहां पे जैसे ये दूसरा अकाउंट है, यहां पे मैंने दिखाया कि आपको 48,722 का रैंक है और वहीं पे मेरे पास एक और पेटीएम मनी का अकाउंट था, वहां पे भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सुबह अप्लाई किया था मॉर्निंग में और ये मैंने रात में किया है, तो देखो कितना फर्क आ गया, मतलब यहाँ पे 36,000 रैंक थी मेरी और यहाँ पे 48,000, मतलब अप्रोक्सीमेटली 12,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया सुबह से लेकर अभी तक रात तक। लेट्स सी पेटीएम कैसे काम करता है। यहाँ पे फिलहाल ये था एक सिंपल सा तरीका, जल्दी से अप्लाई करो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।